नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा हम आपको पूजा सिंघल मामले में लगातार अपडेट देते आ रहे हैं, और आज अभी बहुत बड़ा अपडेट ये आया है कि पूजा सिंघल के करीबी जब पूजा सिंघल से पूछताछ हुई तो कई अहम नाम निकल के सामने आ रहे हैं, और सुबह से ही ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि भगवती कंस्ट्रक्शन, जो कि अनिल झा का बताया जा रहा है, रांची झारखंड के बहुत बड़े बिल्डर है वो, और सत्ता के गलियारे तक उनकी पहुंच है। उसके साथ ही विशाल चौधरी, इन दोनों के घर जो है वो अशोक नगर आवास है इन दोनों का, और छापेमारी हुई है ईडी की। सुबह से ईडी की वरिष्ठ अधिकारी जो है उनके घर पर छापामारी कर रहे हैं, और ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि नोट गिनने वाली मशीन आई है विशाल चौधरी के घर में। काफ़ी भारी मात्रा में नगद बरामद हुआ है, जिसे हाथों से गिनना तो नामुमकिन है, मुश्किल ही है। आपने जैसा देखा होगा पिछली बार पूजा सिंघल के घर में जब छापा पड़ा था तो नोट गिनने की मशीन आई थी, बिल्कुल वैसा ही अब विशाल चौधरी के घर में भी देखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी सुबह से लगातार उनके घर में तहकीकात किए जा रहे हैं, 2-3 मशीनें मंगवाई गई है। इसके साथ ही अगर बात अनिल झा की करें तो भगवती कंस्ट्रक्शन नाम का उनका कंपनी है, अशोक नगर में घर है, और पूजा सिंघल और बड़े बड़े सरकार के अधिकारियों के साथ इनकी बहुत अच्छी पहुँच है और बहुत अच्छी साठ गांठ है। आपको बताते चले कि आज जो साहिबगंज के डीएमओ के साथ पूछताछ हुई है, पूजा सिंघल के साथ पूछताछ हुई है, इसके बाद ये कार्रवाई जो है काफी तेज हो गई है। हर दिन कोई नया नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके साथ ही प्रधान सचिव हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के रिश्तेदार जिया नीतीश केसरी, उनके घर पर भी छापामारी हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब पूछताछ होती है तो और कितने नाम निकल के सामने आते हैं, और ईडी और कितना पैसा जब्त करती है, ये सारे अपडेट हम आपको लगातार जीएन भारत में देते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।